नमस्कार, आज के वीडियो का टॉपिक है एसिडिटी की प्रॉब्लम से निजात कैसे पाए। एसिडिटी की प्रॉब्लम लगभग सभी को कभी न कभी हो जाती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु कुछ लोगों के ये प्रॉब्लम अधिक होने लगती है। यूं एसिडिटी रेगुलर बनी रहती है, तो इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एसिडिटी यदि लॉन्ग टाइम से बार बार होती है तो ये गेस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज में बदल जाती है। एसिडिटी में क्या होता है कि जो स्टोमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगता है, जिससे आपको क्या होगा कि सीने में जलन का होना, भोजन के बाद कुछ घंटों तक ये जलन लगातार बनी रहती है, खट्टी डकार का आना, कई बार डकार के साथ खाने का गले तक आ जाना, यूं बहुत ज्यादा डकारों का आना और मुंह का स्वाद कड़वा रहना, पेट का फूलना, नोजिया होना, वोमिट होना, एडेक का होना, पेट में दर्द होना आदि प्रॉब्लम होती है एसिडिटी में। आयुर्वेद में इसे अमलपित्त कहते हैं, अर्थात पित्त दोष की विकृति, अर्थात पित्त दोष का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना। जब भी किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ तो वो एंटा एसिड लेता है, यहाँ वो सोडा का प्रयोग करता है या कोई पाउडर लेता है। इन सब से कुछ समय के लिए तो ये प्रॉब्लम दब जाती है, अर्थात आराम मिलता है, लेकिन गोली का असर जब कम होता है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी का जड़ से छुटकारा नहीं होता है, ओनली एंटा एसिड टेबलेट व सोडा टेम्परेरी आराम देते हैं। जब आप सोडा पीते हैं तो आपकी बॉडी में जो एसिड बना है उसको ओनली सोडा क्या करता है कि वो डाइल्यूटेड कर देता है, जिससे एसिड के डाइल्यूट होने से टेम्परेरी आराम मिलेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको मंद अग्नि के कारण हुई है, उसको आपको ठीक करना होगा, वरना आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा। एंटा एसिड सोडा इनका प्रभाव जब कम होता है तो क्या होगा कि वापिस आपको रिबाउंड एसिडिटी हो जाती है, अर्थात तुरंत एसिडिटी हो जाती है। लंबे समय तक आप एंटा एसिड टेबलेट और सोडा का प्रयोग करते हैं तो ज्यादा मात्रा में एसिड उत्पन्न होने लगता है। यूं अधिक एंटा एसिड टेबलेट लेते हैं तो आगे जाकर आपको गोल ब्लेडर का स्टोन हो जाएगा या अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडोनल अल्सर का होना, फिर धीरे धीरे आपको स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है। क्योंकि पित्त दोष दूषित होता है तो रक्त धातु भी दूषित हो जाती है, जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम, जैसे स्किन में रेडनेस हो जाएगा, स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग होगी, पिंपल्स होने लगते हैं। अंतः एंटा एसिड सॉल्यूशन नहीं है, आपको कम्प्लीटली सॉल्यूशन करें एसिडिटी का। आयुर्वेद में चिकित्सा का प्रमुख पार्ट निदान प्रयोजन को माना है, अर्थात जिन कारणों से आपको एसिडिटी हुई है उन कारणों को दूर करेंगे तभी आपको ट्रीटमेंट असर करेगा। तो अपन अब जानते हैं एसिडिटी होती क्यों है, किन कारणों से होती है। अपन बहुत ज्यादा में मात्रा में मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, पहले खाए हुए भोजन के पचे बिना ही अपन दोबारा भोजन कर लेते हैं, या अपन बहुत देर तक भूखे रहते हैं, अधिक खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, नमक का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, मात्रा से अधिक भोजन करते हैं, यूं खाना खाते ही सो जाते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, लॉन्ग टाइम से जो लोग पेन किलर लेते हैं जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं या सेवन करते हैं, तो उनसे क्या होगा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम जरूर होगी। बहुत ज्यादा स्मोकिंग या एल्कोहल का सेवन करते हैं, ज्यादा मात्रा में जो लोग चाय या कॉफी का सेवन करते हैं, अंतर पहले खाया हुआ भोजन जब पच जाए तभी आप दोबारा भोजन करें, अच्छी भूख लगे तभी खाना खाए, पित्तकाल में खाना खाए। सुबह का खाना पित्तकाल अर्थात 10 से 2 बजे तक आप खा ले, हो सके तो आप 12 बजे तक ये भोजन कर ले, क्योंकि इस समय खाने से आगे के जो 2 घंटे हैं जिसमें पित्त का काल है उसमें भोजन का अच्छे से पाचन होगा। खाने का टाइम फिक्स रखे, अगर पचाने वाला पित्त तैयार है उसे खाना नहीं मिला तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। शाम का खाना भी जल्दी खा लें, खाने व सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। यूं नाइट में आप हल्का भोजन करें,
विरुद्ध हार का सेवन ना करें, इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। दूध के साथ जो खट्टे फल होते हैं उनका प्रयोग ना करें। ज्यादातर लोग मिल्क शेक बनाकर पीते हैं, वो ना पिए, इससे एसिडिटी होती है। दूध व नमक का एक साथ प्रयोग ना करें। जो जंक फूड होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, फास्ट फूड है, ऑयली फूड है, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली है, ढोकले हैं आदि का सेवन ना करें। तला हुआ भोजन है जैसे चीज एवं पनीर जैसे हैवी फूड है, ये सब पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं, अतः इनका सेवन ना करें। जो लोग बहुत ज्यादा फास्टिंग करते हैं या फास्टिंग के समय साबूदाना या तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं या बहुत ज्यादा लिक्विड डाइट लेते हैं या बहुत ज्यादा जूस पीते हैं, उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अधिक लिक्विड डाइट से अग्नि मंद हो जाती है। आयुर्वेद में क्लियर कहा है कि जब अपने शरीर में अग्नि मंद होती है तभी अपने शरीर में बीमारियां होती हैं। अंतः मौसम के हिसाब से जितनी आपको प्यास लगे उसी हिसाब से पानी पीना चाहिए। अनार एवं आंवले को छोड़कर अन्य जितने भी खट्टे फल हैं वो ना खाएं। एसिडिटी की प्रॉब्लम जिनको रहती है वो अपने भोजन में मीठा है, कड़वा है, कसैला है, वो स्वाद जरूर रखे, हमेशा ताजा हल्का एवं सुपाच्य आहार ही ले। खाने के बाद आप सौंफ या अजवाइन का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सौंफ एवं अजवाइन दीपन पाचन करने वाली होती है, जिससे आपका भोजन का पाचन हो जाएगा। पित्त को बढ़ाने वाले जितने भी फूड हैं वो ना खाएं। आप काली मिर्च है, हरी मिर्च है, मसालेदार भोजन है, दही है, ग्रेवी वाली जितनी भी सब्जियां होती है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, अंकुरित धान्य हैं जो कि पचने में हैवी हो, उनका प्रयोग ना करें। पत्ते वाली सब्जी कम खाएं, फल वाली सब्जी खाएं, जैसे आप करेला खा सकते हो, पेठे की सब्जी खा सकते हो, लौकी है, तुरई है, परवल की सब्जी आप ले सकते हो। आप मूंग की दाल, गाय का घी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी या शरबत का प्रयोग आप कर सकते हो। अतः आप इन फूड का प्रयोग करके आप एसिडिटी की प्रॉब्लम से बच सकते हो। सौंफ है, जीरा है, धनिया है, तीनों को ले लें और उनको मिला लें। फिर उनको एक चम्मच लेकर आप दो कप पानी में उबालकर जब आधा कप शेष रह जाए तो उससे पिए, इससे एसिडिटी सही होगा एवं खाने का पाचन भी होगा। सौंफ होती है वो एसिडिटी को दूर करने में सबसे उत्तम होती है। ये एंटा एसिड और सोडा से भी ज्यादा लाभदायक होती है, दीपन पाचन करने वाली होती है। एसिडिटी होती है तो बहुत ज्यादा लिक्विड बढ़ जाता है, खट्टा पानी मुंह में आता है या आपको खट्टा वोमिट होता है। सौंफ क्या करता है कि जो एक्सेसिव लिक्विड होता है उसको सुखाकर एसिडिटी को कम करती है। यदि आपने कभी स्पाइसी फूड लिया या बाहर का भोजन लिया और आपको एसिडिटी हो गई तो आप सौंठ का प्रयोग जरूर करें। सौंठ के पाउडर को आप मिश्री और घी में मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं, इससे पित्त शांत होता है। या आप क्या करें, एक चम्मच आंवले के चूर्ण में 3 से 4 चुटकी भर मात्रा में सौंठ का पाउडर मिक्स कर ले खाने के बाद खाएं। ये योग बहुत ही असरकारक होता है, इससे आपको एसिडिटी की समस्या से जरूरी राहत मिलेगी। मुलेठी भी बहुत ही असरकारक होती है पित्त को शांत करने में। आप आधा स्पून मुलेठी का पाउडर लें और उसको घी के साथ मिक्स कर खाने के बाद सुबह शाम इसका प्रयोग करें। आयुर्वेदिक औषधियां जैसे अविपत्ति का चूर्ण है, चित्रकारी वट्टी है, सूर्य का रस है, कामदुग्धा रस है, बहुत ही असरकारक दवाई है एसिडिटी के लिए। बट इनकी मात्रा उम्र के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बीमारी की अवस्था के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अंततः आपके निकटतम आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही इनका प्रयोग करें। यदि दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं और ये सब आपने उपाय कर लिए हैं फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप शोधन चिकित्सा करवाएं।
अर्थात पंचकर्म की प्रोसीजर वमन यूरेशन कराएं, ये आप अपने निकटतम पंचकर्म सेंटर से करवा सकते हैं। इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम को का जड़ से छुटकारा मिलेगा। अंत इस वीडियो में जो मैंने बताया है उन उपायों को जरूर करें, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स का जड़ से खत्म होगी। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।